सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है जतिन और मैं आपके सामने वृद्धावस्था पर एक संक्षिप्त प्रस्तुत करना चाहूँगा। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो एक कठिनाइयों का सफर है और एक व्यक्ति के जीवन में कई से बदलाव लेकर आती है। आज इन्हीं कठिनाइयों से अवगत कराएंगे हमें हमारे नाना जी। नमस्कार नारायण, कैसे हैं आप? बस वृद्धावस्था में ठीक है, मालिक की मौत से। आज मैं आपसे वृद्धावस्था की कुछ कठिनाइयों से अवगत होना चाहूँगा। तो बताइए नारायण जी, वृद्ध हो जाने से आपको सबसे बड़ा अभाव क्या लगता है? सबसे बड़ा अभाव तो ये है कि वृद्धावस्था में आकर के आदमी मजबूर हो जाता है हर काम से, चलने से, फिरने से, खाने से, पीने से। फिर अब एक ही थोड़ा कोई परमार्थ की लाइन पे अनुभव जिसको होता है बचपन से ही चलता रहे तो उसको इतनी कठिनाई कम होती है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के नाम पे ही चलता रहता है, भगवान को सहारा देता रहता है। और जो दुनिया में ज़्यादा वृद्धावस्था में हम फंसे पीछे से होता है तो उसको वृद्धावस्था लास्ट में बहुत महसूस होती है। ये एक वृद्धावस्था का वो है जरूरी, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे पास कोई काम ऐसा नहीं है कि हम उसको दुनिया में करते रहें। वृद्धावस्था में एक हमारा ऐसा है कि हमें दुनिया से छुट्टी मिली होती है, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। पर हम एक चीज़ हमें अनुभव मिलती है कि जब दुनिया से छुट्टी मिलती है तो हम परमात्मा को जल्दी समझ लेते हैं, उनको ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी का भाव ऐसा नहीं है हमारे पेट पर जिससे हम लोग कुछ काम को ना कर सकते, क्योंकि जब हम जवान होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, उस वक्त हमारे पास का भाव होता है कि हाँ ये करना वो करना इस जीवन में। पर ये एक छुट्टी एक ऐसा अनुभव है जिससे हम पूरा जीवन बाकी बचे हैं परमात्मा की लाइन पर लगाएं तो खुशी से जीवन। तो नाना जी, क्या आप सोचते हैं कि वृद्ध हो जाने पर एक व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है? हाँ, आश्रित तो रहता है, क्यों कि उसका जो अपना अनुभव है कमाने का खाने का वो दूसरे को हो जाता है, पर वो जो अपने समाज के साथ अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है तो उसको कम महसूस होता है, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि जैसा हमारा पिछला जो हम परिवार बनाया उसके साथ ही मिलके रहें, जैसे वो हमें रखे उसी के प्रभाव में रहें, अपना प्रभाव जो हमारी जिंदगी का पिछला प्रभाव है वो ना डालें। तो नाना जी, आपको आपकी संतानों का आपके साथ व्यवहार कैसा है? मेरा तो पीछे से ही मेरा अच्छा है, क्योंकि मेरा प्रभाव ही अच्छा है तो इसलिए मेरी संतान का प्रभाव अच्छा है। तो नाना जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपकी संतानें आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं? तो मेरी संतान ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि मेरा जो प्रभाव है वो तो पहले ही अच्छा प्रभाव है। मैं हर आदमी से प्रेम करना चाहता हूँ, जो मैं हर आदमी से प्रेम करना चाहूँगा तो मेरा परिवार है मेरे। तो नाना जी, क्या आजकल आप देखते ही हैं कि ज्यादातर व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो क्या आप इसे पीढ़ी का अंतर कह सकते हैं? पीढ़ी का अंतर इतना नहीं कह सकते उसको, पीढ़ी का अंतर तो यह है कि हम लोग एक परमार्थ से कटे हैं। जब हम परमार्थ के साथ अपने बच्चों को भी लेकर परमार्थ की लाइन पे चलेंगे तो कोई पीढ़ी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस कुदरत का जो प्रभाव है वो सब पेपर पर चल जाता है, तो अपना जितना जीवन है वो अच्छा बुद्धि। क्या आप इस नई पीढ़ी को अपने स्वभाव में सामंजस्य रखने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, तो उसमें तो ऐसा है कि जैसे हमारा परिवार है तो उस परिवार में ऐसा है कि हम उसको ये थोड़ा सा समझाना चाहते हैं जो हमारे पीढ़ी है कि उसमें थोड़ा सा परमार्थ की तरफ मुड़ करके और हर आदमी की सेवा कर करके चलना चाहिए, क्योंकि जब हम परमार्थ की तरफ जाएंगे तब हम हर वर्ग की हर आदमी की सेवा कर सकते हैं, मर्द नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब दूसरों से कट जाएंगे, जब उनके परमार्थ में जाएंगे सबसे कटे नजर आएंगे। इसलिए हम सेवा तो जब हम सत्संग में या किसी अच्छी लाइन में चलते रहेंगे तो हमें हमारा परिवार भी अच्छी लाइन पर चलेगा और हमें अपने परिवार को लेकर के अच्छी लाइन पर चलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आपके युग के व्यक्तियों के व्यवहार में और इस युग के व्यक्तियों के व्यवहार में कोई अंतर है? हाँ, थोड़ा अंतर आ गया, वो पहले नहीं था, अब अंतर ही आ गया। जो हमारा पिछला जो संबंधी थे वो हर आदमी से प्रेम करके चलते थे,
और अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी से कोई प्रेम करे, अपने तक ही सीमित वहाँ से सीमित होने जा रहा है और होता चलता जा रहा है। तो आप अपने युग के व्यक्तियों के व्यवहार को कायम रखने के लिए इस पीढ़ी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव तो यही है कि आप लोग इस पीढ़ी को कि एक को अपना थोड़ा सा संतुलन रखें, कि किसी को भी आप जो हमारे साथ दूसरा व्यवहार कर रहा है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है कि गाली का जवाब उस गाली से नहीं देना चाहिए, या उसको प्रेम से देना चाहिए, प्यार से देना चाहिए। ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, वो भी प्रेम से देना चाहिए। तब तो वो समाज में, आजकल के समाज में जी सकते हैं, वर नहीं जी सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि वृद्धावस्था एक कठिनाइयों से भरा सफर है और इस अवस्था में वृद्ध जन दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और उन्हें कोई भी व्यक्ति इतना समय नहीं दे पाता। तो हमें चाहिए कि हम अपने वृद्धजनों का ख्याल रखें और उन्हें आनंदित करने का प्रत्येक प्रयत्न करें। धन्यवाद।